नमस्ते मेरे श्रोतागणों को। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मुख्य एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज सारी दुनिया को जकड़ी हुई है। इस बीमारी ने ऐसे जकड़ा हुआ है कि आप इसका कोई इलाज ही नहीं ढूंढ सकते। आज साइंस मेडिसिन भी इसका इलाज ढूंढ नहीं पा रही है। चाहे आप कितनी भी गोलियाँ खा लें, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें? ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी को हम डिप्रेशन कहते हैं। आज देखा जाए तो भारतवर्ष में ही हर घर में किसी न किसी को ये बीमारी हुई पड़ी हुई है। और इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है वो भी आज कोई पहचान नहीं पा रहा। डॉक्टर्स भी इसको न्यूरल या ब्रेन की बीमारी समझ बैठे हैं। देखा जाए तो है ही आसपास की कोई बीमारी है ये, लेकिन ये केवल ब्रेन की नहीं, ब्रेन के साथ साथ एक बहुत ही सूक्ष्म बीमारी है ये। पर इस चीज़ को हम कैसे समझें कि मुझे डिप्रेशन है कि नहीं? ये कैसे पहचानें कि मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ हूँ कि नहीं अभी तक? तो डिप्रेशन है क्या? एक मुख्य कारण डिप्रेशन का यही है कि हम सारे दिन यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अगर मैं ऐसे करूं तो मेरी आज सोसाइटी में अहमियत हैसियत क्या रहेगी? और अगर आज मैंने ये कदम उठाया तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? एक छोटे बच्चे को भी आज डिप्रेशन होता है क्योंकि वो भी एक प्रेशर से जा रहा है कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। एक युवा को भी आज प्रेशर है कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे साथ वाले कितने आगे बढ़ चुके हैं, मेरा क्या होगा, मेरे माता पिता फिर से ताने मारेंगे, मेरे दोस्त मुझे ताने मारेंगे, हंसेंगे मुझ पर। या एक वाइफ को ये चिंता हो रही है कि क्या मैं एक अच्छी वाइफ हूँ। एक हस्बैंड को चिंता है कि क्या मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पा रहा हूँ। माता पिताओं को चिंता हो रही है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में, उनकी नौकरी में इनको तरक्की क्यों नहीं हो रही है, मेरे बच्चों के बिजनेस का क्या हो रहा है। और स्पेशली आज के समय में जब कोरोना वायरस जैसी हालात चारों तरफ फैले हुए हैं तो कईयों की नौकरियाँ जा रही हैं। आजकल तो न्यूज़ में ये भी सुनने में आया है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स देखे जाएं तो किसी ने आज सुसाइड भी किया है इसी चीज़ को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने अतीत से रिलेटेड हो। तो सबसे मुख्य कारण पहला अगर देखा जाए जो कि डिप्रेशन को लेके आता है वो है कि हम अपने अतीत के साथ में रहते हैं, अपने पास्ट के साथ में रहते हैं, पास्ट में करी हुई कुछ गलतियाँ जो कि ऐसी करी हुई हैं जिसने हमें बहुत भारी बना के रखा हुआ है। ना तो हम किसी से कुछ वो शेयर कर पाते हैं, शेयर करें भी कैसे, लज्जा जो आती है क्योंकि सबसे बड़ा रोग तो यही है ना, क्या कहेंगे लोग। लेकिन क्या मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं अपने अतीत को जाकर के, अपने पास्ट को जाकर के फेस कर पाऊँ हर दिन? या मेरे पास्ट में किसी ने कुछ मेरे को ऐसे कह दिया हो, कुछ ऐसी बातें बोल दी हों जिन कारण से मेरे दिल में आज भी वो गहरी चोट बसी हुई है, मैं उन्हीं बातों को बार बार सोचता रहता हूँ। डिप्रेशन जैसे कि हम देखते हैं कहीं भी वातावरण में भी अगर डिप्रेशन होता है तो वहाँ पर आंधी तूफान आ जाता है, कहीं पर अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है जैसे कि आज कुछ दिनों पहले आपने तूफान देखे थे भारतवर्ष में, साइक्लोन आए थे, वो भी एक लो प्रेशर के कारण क्रिएट हुए थे, खालीपन के कारण क्रिएट हुए थे। तो क्या हम भी अपने जीवन में वो खालीपन क्रिएट करते हैं एक ही बात को बार बार चिंताओं में घूमते घूमते सोचते सोचते अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं? इतना
कि हम एक नेगेटिव एनर्जी, एक लो ऊर्जा अपने अंदर क्रिएट करते रहते हैं, जिस कारण से चारों तरफ से तूफान हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। छोटी छोटी किसी की बातें हमें बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे जो दिन भर के हमारे अनुभव होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं चुभने शुरू होते हैं। हम छोटे छोटे निर्णयों को ले नहीं पाते हैं। कारण भी क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा समय या तो अतीत में है, पास्ट की जो हमारे रिग्रेट्स हैं जिसमें हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं उसी में हमारा सारा समय जा रहा है, नहीं तो हमने अभी तक अपने आप को उस काश रूपी शब्द से दूर नहीं किया कि काश ऐसा ना होता, या काश ऐसा ना बोला किया होता, या काश ऐसा ना कहा गया होता, या काश उसने ऐसा ना किया होता। तो क्या ये चीज़ों से हम दूर कर सकते हैं अपने आप को? क्या इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं? और क्या कारण हो सकते हैं? चिंताएं कि क्या होगा मेरा, आज के वातावरण में तो कईयों की नौकरियां जा रही हैं, कईयों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, खर्चे कैसे निकलेंगे, ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ में, इसका उत्तर मुझको मिल नहीं पा रहा है, मैं किसको ब्लेम करूं? क्या मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करूं? क्या इस वायरस को ब्लेम करूं? कि मैं उस भगवान को ब्लेम करूं जिसने इस दुनिया को बनाया? तो क्या मैं ब्लेम कर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा? क्या मैं इस बीमारी से निकल पाऊंगा कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि मैं अपने बारे में क्या सोचूं इस समय, मैं हताश हुआ पड़ा हुआ हूँ, आगे कैसे बढ़ूँ मैं? तो इन सारी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक सोच से मैं आगे कैसे बढ़ूँ? साथ ही साथ कभी कभी तो औरों के साथ में तुलना करना, औरों से तुलना होना हमारा, कोई हमें किसी और से तुलना करे, पोस्ट पोजिशन की चिंताओं में रहना, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन का कारण बन चुकी हैं आज। सबसे मुख्य चीज़ इसमें यह है कि हमें संतुष्टता की कहीं ना कहीं बहुत कमी है। आज हमने अपने आप को सारी दुनिया में किसी न किसी से तुलना, किसी न किसी से अपने आप को कंपेयर करने में ही ज़िंदगी बिता दी है। सारा जीवन इसी चीज़ में हम बिता देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये कर ना पाया, अगर मैं कर ना पाई। सो क्या करें? किसी बात को पकड़ के रखना, किसी की चीज़ों को सोच सोच करके अपना जीवन बता देना, कभी कभी तो कुछ चीज़ों के साथ भी हमारा बहुत लगाव हो जाता है, अटैचमेंट जिसको कहा जाता है। कभी कभी हम किसी चीज़ के ना होने से या किसी चीज़ के खो जाने से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो धन हो, दौलत हो, चाहे वो एक छोटी सी कोई चीज़ किसी ने हमें गिफ्ट करी हो और वो खो जाए, तो आज हमारे अटैचमेंट्स इतने ज़्यादा हैं इन चीज़ों से, लोगों से, धन दौलत से, चीज़ों से, कि वो भी कभी कभी हमारा डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। तो फिर निवारण क्या है? क्या हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? क्या हम उन लोगों को माफ़ कर पाएंगे? क्या हम उस दर्द से, उस दुख से हम दूर हो पाएंगे जिसने हमें जकड़ा हुआ है? उन चिंताओं से दूर हो पाएंगे? क्या हम उन अटैचमेंट से, उन मोह की रगों को तोड़ पाएंगे जिस कारण से हम डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं? ये सारे कमियां कहाँ से आ रही हैं? हम तो ऐसे नहीं थे कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले हम तो बहुत खुश थे, ताकतवर महसूस करते थे, लेकिन अचानक ये क्या हुआ? क्या मुझे डिप्रेशन हो गया है? ये अचानक ये कैसी महसूसता है? ये कमी कहाँ से आ रही है? ये भाव कहाँ से आ रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, या मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है? और यही कारण बन जाता है आज कुछ अपने आप को इस जीवन में अकेला पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और सोचते हैं ये जीना ही क्या जीना, अब तो मरना ही बेहतर है। तो क्या ये आत्मविश्वास की कमी है?
क्या ये आत्मबल की कमी है कि अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर भरोसा खत्म हो चुका है? क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुख सदा काल के लिए नहीं रहता, जैसे सुख सदा काल के लिए नहीं रहता आजकल, तो दुख भी सदा काल के लिए नहीं रहता। पेन इज ऑल्सो टेम्प्रेरी, सफरिंग इज ऑल्सो टेम्प्रेरी। तो इस चीज़ को हम कैसे महसूस करें, इस आत्मिक बल को कैसे बढ़ाएं, इस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? क्या हम कुछ लोभ और लालच के कारण कहीं गलत जगह पर धन संपत्ति का निवेश कर चुके हैं, जो कि अब वापस आने से रही, वो कहीं ना कहीं चली गई है? वो इस सारी चीज़ों के कारण क्या हैं? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इसी चिंताओं में भी रहने से कईयों को आज डिप्रेशन हो रहा है कि मैं ही क्यों वो बदनसीब हूँ। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अपनी इज्जत आबरू को हम ऐसी चरम सीमा पर ले जाते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं, कि हम किसी से मदद लेने से भी दूर हो जाते हैं। किसी से मदद लेना भी हमें अपनी इज्जत आबरू के ऊपर एक चोट जैसा महसूस होता है कि हम क्या इतने गिर चुके हैं कि हमें किसी एक और के आगे हाथ फैलाने पड़े। क्या ये हाथ फैलाना है? क्या मदद मांगना गलत है? इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। कभी कभी तो हम बच्चों को भी इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हुआ पड़ा है, आज छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से नज़रों से नज़र नहीं मिला पाते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, चाहे वो शारीरिक बल में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मानसिक बल में हो, एजुकेशन में हो। आज इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, सारी दुनिया में, चाहे वो यूट्यूब हो जिसके द्वारा आप आज ये सुन रहे हैं, जिसमें हम औरों को आगे बढ़ता हुए देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। आज बच्चों के ऊपर भी इतना प्रेशर है क्योंकि औरों को देख करके वो सोचते हैं कि ये तो इतने आगे निकल चुके, क्या मैं इन जैसा बन पाऊँगा? क्या हम अपने आप को भी भूल गए हैं? क्या आज बच्चों को भी ये पता नहीं है कि उन्हें अपने आप को किसी और से कंपेयर करके आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल महसूस हो सकता है, क्योंकि वो सत्य मार्ग नहीं है? तो क्या हम बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं? क्या बच्चे भी सीख सकते हैं? क्या आज का यूथ ये सीख सकता है कि कंपैरिजन करना एक प्रेशर है? ना तो हम किसी से प्रेशर लें, ना अपने आप को प्रेशर दें। साथ ही साथ अपनी दुनियावी अचीवमेंट्स जो आज तक हमने हासिल करी हैं, चाहे वो एक बच्चा होकर के एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हम एक बहुत ही पॉपुलर टीवी स्टार हों, चाहे गायक हों, चाहे लेखक हों, लेकिन कुछ समय के बाद में अगर हम वो सारी अचीवमेंट्स को फिर से ना दोहरा पाएँ, फिर से हम वो एम्स को वापस अचीव ना कर पाएँ, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, अगर हम तरक्की को ना पा पाएँ, तो क्या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या हम अपने आप को कोसते हैं कि क्या हम अपनी फैमिली को कोसते हैं? क्या हम किसी और को ब्लेम करते हैं और ज़िंदगी भर उसी ब्लेम में हम डिप्रेशन में डूबते जाते हैं? इन सारी बातों को हम आस्ते आस्ते गहराई से देखेंगे। हो सकता है आप सब के सब जो इन बातों को सुन रहे हैं, आप वो लिसनर हैं जो इन सारी चीज़ों के द्वारा जा चुके हैं, शायद से आप निकल भी आए हों, तो आपके अनुभवों को भी यहाँ पर इस चैनल पर शेयर कर पाएँ तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस वीडियो के एंड पर, इस पॉडकास्ट के एंड पर आप हमारा नंबर पाएंगे, आप मुझे कॉल करें, आप अपने अनुभव बताएं। अगर आप सक्सेसफुली इन चीज़ों से बाहर आ पाए हैं, डिप्रेशन को आप पार कर पाए हैं, तो आपके अनुभवों के कारण भी काफ़ी सारी आत्माओं का, काफ़ी सारे मनुष्यों का एक हौसला बढ़ेगा और शायद हो सके हम सब मिल करके अपने वार्तालापों से, उस टेलीफोन कॉल से कईयों तक पहुंच पाएँ, उनको आत्मबल, आत्मविश्वास दे पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर हम बार 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 सोचें, अपने आप को कमज़ोर या बेकार समझें, क्योंकि अब मैं उन चीज़ों
को फिर से हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, उसी लेवल तक मैं फिर से स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भी कभी कभी डिप्रेशन का कारण बन जाता है और बहुत सारे लोग इसके शिकार हो पड़ते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और सबसे एक बहुत ही मुख्य कारण आज डिप्रेशन का ये है, जिसको कहते हैं वैर करना। वैर मतलब हेट्रेड। आज दुनिया में मोहब्बत कम है और हेट्रेड ज़्यादा है, वैर भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो जात पात का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो रंग का हो, चाहे वो किसी और भी तुलना का हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के भेदभाव का हो, इस वैर के कारण आज कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो अपने किसी भी कामकाज में हो, इतनी बढ़िया गलतियां हो रही हैं जिसको हम हर दिन अगर सोचें तो हमें उत्तर ही नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना वैर होता है, इतनी हेटेड होती, इतनी नफरत होती है कि हम उन चीज़ों तक, उन सच्चाइयों तक पहुंच नहीं पाते हैं, और हम जिंदगी भर उस हेट्रेड में, उस वैर में ही जीवन बिता देते हैं। सो, इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से पार करें, कि आध्यात्म में, क्या स्पिरिचुअलिटी में इन सब चीज़ों के आंसर हैं, क्या सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मा विश्वास में इन सब चीज़ों के आंसर हैं, इन्हीं चीज़ों को हम अगले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम शानू, या चाहे आप मुझे परम कहलाएं, नाम में क्या रखा है, सोच बड़ी हो तो नाम उसके सामने भी छोटा हो जाता है। मेरे साथ बने रहें और अपने, अगर आपके पास में कुछ अनुभव हो तो ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे कुछ समय बाद।